हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। आज तो आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। आज आप लोग अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको बहुत ही अच्छा जो कंसेप्ट है वी का, जो चेंज होने वाला है वैल्यू जी का, वो कैसे चेंज होता है अर्थ सर्फेस पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, वो बहुत ही अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो आई होप गाइस आप लोग इस वीडियो को टिल लास्ट तक देखने वाले हो तो आप इंजॉय करोगे बहुत ही वीडियो को। चलो आज हम लोग डिस्कस करते हैं, अभी चालू करते हैं इस वीडियो को। तो देखो कैसा लिख रखा है हम लोगों ने, यहाँ पर क्या लिखा है कि वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। तो जी जो जी है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, या फिर हम लोग बोलते हैं इसको ग्रेविटी, जो कि अर्थ के पास अट्रैक्टिव पावर होती है, वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड पुल कर लेता है अपने सेंटर की तरफ। तो ये जी की वैल्यू है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे अर्थ सर्फेस पे क्या होने वाली, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन यहाँ पर थ्री पॉइंट्स ले लिए। तो वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, हम लोग इसको बोल देते हैं कि ये क्या है, ए है चेंज अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ अर्थ। सर्फेस ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू है, वो डिफरेंट प्लेसेस पे क्या होने वाली है, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। या फिर चेंज विद द हाइट, अगर हमारे सरफेस से हाइट पे जाने वाले हैं तो जी की वैल्यू क्या वेरिएट होने वाली है, चेंज क्या होने वाली है वो देखेंगे हम लोग। यहाँ पर डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, ये डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर चेंज विद द डेप्थ, तो अर्थ सरफेस में हम डेप्थ में चले जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होने वाली है, वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो हम लोग इसको डायग्रामेटिकली डायग्राम बनाकर थोड़ा फिगर के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि कंडीशन हम लोग पहला देख रहे हैं कि चेंज अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ अर्थ, हमें यहाँ पर बोला है। तो जैसा चेंज अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ अर्थ, तो हमने यहाँ पर जो अर्थ बना दिया है, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में केपलर के लॉ में देखा था कि जो अर्थ है वो एलिप्टिकल शेप है हम लोगों ने, तो ऐसे हमने ये हॉरिजेंटल एक्सिस वहाँ पर ली थी और वर्टिकल एक्सिस ली थी, और यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस पे ये पार्ट हमें पता है कि ये पोल होता है और ये पार्ट क्या होता है, इक्वेटर होता है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो अर्थ का सेंटर है, यहाँ से इक्वेटर का डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा आपको दिख रहा है एज अ पोल के कंपेरिजन में। तो ये इक्वेटर पर जो ग्रेविटी होती है वो कम होती है, कितनी होती है, 9.78 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर ऐसे होती है। जबकि पोल का हम कंपैरिजन करें तो पोल के ऊपर ग्रेविटी कितनी हो जाती है, पोल के ऊपर ग्रेविटी हो जाती है 9.832 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो आप दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि जो पोल है उसके ऊपर ग्रेविटी ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू इक्वेटर पे। क्यों? क्योंकि इक्वेटर का डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है सेंटर से, और पोल का डिस्टेंस क्या है, कम है। इसका मतलब हम लोगों को यहाँ पर एक रिलेशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमें यहाँ पर, एक रिलेशन मिल रहा है। हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस ज़्यादा है तो ग्रेविटी क्या है, कम है। डिस्टेंस यहाँ पर कम है तो ग्रेविटी ज़्यादा, मीन्स इन्वर्स का रिलेशन मिल रहा है। तो हम लोगों यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं, डिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, डिस्टेंस इज इन्वर्सली, देखो नीचे लिख रहे हैं हम लोग, मीन्स इन्वर्स है, ऊपर लिखते तो हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता तो ऊपर लिखते थे। तो देखो डिस्टेंस इज इन्वर्सली, ये अल्फा साइन लिखा हमने, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ग्रेविटी है ना। डिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी, या फिर वैल्यू ऑफ जी ऐसे। तो डिस्टेंस अगर ज़्यादा है, हम लोग बोलेंगे अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, मोर एंड मोर है, तो ग्रेविटी क्या होने वाली है, लेस एंड लेस होने वाली है। डिस्टेंस अगर लेस है तो ग्रेविटी क्या होने वाली है, मोर एंड मोर होने वाली है। तो यहाँ से आप लोगों ने दोस्तों क्या समझा, यहाँ से आप लोगों ने समझा कि सेंटर से इक्वेटर का डिस्टेंस ज़्यादा है, अगर ऑब्जेक्ट इक्वेटर पे होता है तो ग्रेविटी उसके ऊपर कितनी है, 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और अगर वो पोल पर है तो वहाँ पर ग्रेविटी कितनी है, 9.832 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है। तो ऐसे अगर हम लोग देखें तो इक्वेटर के ऊपर जो ग्रेविटी है वो कम होने वाली है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है रिलेशन में हमने देखा, और यहाँ पर पोल पर जो है डिस्टेंस कम है सेंटर से, तो यहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा होने वाली क्योंकि डिस्टेंस कम है। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, देखो डिस्टेंस का कम है तो ग्रेविटी क्या होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है। डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो ग्रेविटी क्या होने वाली है, कम होने वाली। तो आप लोग ये रिलेशन को याद रखिएगा कि डिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी, इसके नीचे ही ठीक हम लोग यहाँ पर लिख के रखते। आई होप आप लोगों को ये फर्स्ट टॉपिक समझ में आया। हम लोग सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं, सेकंड टॉपिक को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, सेकंड टॉपिक आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये रिलेशन पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। सेकंड टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है चेंज विद द हाइट, जो वैल्यू ऑफ जी है वो चेंज विद द हाइट। तो अर्थ सरफेस से हम हाइट पे चले जाए, एच हाइट पे चले जाए, तो जी के वैल्यू में क्या चेंजेस आने वाला है वो हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है। ये रिलेशन हम लोगों ने यहाँ पर एक लिख के रखा, तो ठीक है यहाँ पर एक रिलेशन हम लोगों ने सीखा था, वो हम लोग लिख के रख लेते हैं। आप लोग भी इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है, पेन कापी कलम लेकर बैठ जाओ, आप लोग नोट डाउन करते जाओ तो आप लोगों का नोट्स भी तैयार हो जाएगा और आप लोगों को क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। तो डिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, हम लोगों ने यहाँ पर क्या देख लिया, ग्रेविटी, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे लिख दिया, ये ग्रेविटी लिख दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हो ग्रेविटी को यहाँ पर, डिस्टेंस को यहाँ पर लिख सकते हो। तो आप लोगों को ये समझ में आया। अभी सेकंड जो हम लोग यहाँ पर देख रहे, जो सेकंड पार्ट है यहाँ पर हम लोग देख रहे,
तो सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे, तो सेकेंड पार्ट में देखो क्या है, चेंज विद द हाइट, चेंज विद द हाइट जो डिस्टेंस है, जो ग्रेविटी की वैल्यू है, अगर हम हाइट चेंज करते हैं अर्थ सर्फेस से ऑब्जेक्ट की, तो जी की वैल्यू में क्या चेंजेस होने वाला है, वो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, डिस्कस करना है। तो चलो इस सेकेंड पार्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, वापस यहाँ पर अर्थ सर्फेस को बोला, या फिर नॉर्मली हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है, कंपेरिजन कर रहे हैं। तो अगर हम लोग ऐसे बोल देते कि ये अर्थ सर्फेस है, ये अर्थ सर्फेस है, और यहाँ से ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, हाइट पर जा रहा है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया, देखो अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया कि डिस्टेंस अगर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्कस किया हमने, ये भी वही बताता है कि देखो डिस्टेंस ऐसे, आप लोग यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इक्वेटर का डिस्कस कर रहे थे और पोल का डिस्कस कर रहे थे, वही रिलेशन यहाँ पर भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि ये अर्थ सर्फेस से हाइट पर जा रहा है, ऐसे अंडरस्टैंडिंग हम लोग कर सकते हैं। अर्थ सर्फेस से हाइट पर जा रहा है मीन्स डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिस्टेंस तो जो है वो डी से लिख रहे हैं तो इंक्रीज हो जा रहा है, डी से हमने बोल दिया डिस्टेंस है तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, जबकि जो ग्रेविटी है वो क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी, और अगर डिस्टेंस क्या है, कम है, तो ग्रेविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। दैट मीन क्या है, हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं इफ़ हाइट इज मोर एंड मोर, हाइट इज इंक्रीजिंग देन ग्रेविटी गोज एंड डिक्रीजिंग, अगर हाइट ज़्यादा है तो ग्रेविटी क्या होने वाली है, कम होने वाली है, और अगर हाइट क्या है, कम है, लेस है, डिक्रीज है, हो रही है, तो ग्रेविटी क्या होने वाली है, ज़्यादा होने वाली। ये रिलेशन आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हाइट ज़्यादा है ऑब्जेक्ट का अर्थ सरफेस से, तो वो सेंटर से दूर जा रहा है, तो ग्रेविटी उसके ऊपर क्या होने वाली है, हम लोगों ने जैसे लिखा कि हाइट ज़्यादा है तो ग्रेविटी कम होने वाली है, और हाइट कम है तो ग्रेविटी क्या होने वाली है, ज़्यादा। तो यहाँ पर भी इनवर्सी रिलेशन हमें बन रहा है। हम लोग इसको एक फार्मूला के थ्रू भी समझ सकते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या सीखा कि इफ़ हाइट इज़ ग्रेटर देन ग्रेविटी इज़ लेसर, इफ़ हाइट इज़ द लेसर देन ग्रेविटी इज़ मोर एंड मोर, ठीक है, तो ग्रेविटी ज़्यादा होने वाली है। तो ये आप लोगों ने यहाँ से रिलेशन सीखा। इस सेकेंड पॉइंट में हम लोग और डिस्कस क्या कर सकते हैं, एक रिलेशन आप इनवर्स लॉ ऑफ, इनवर्स स्क्वायर लॉ हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बाद, आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाकर इस टॉपिक को और अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। ऐसा हमने कुछ वहाँ पर डिस्कस किया था, यहाँ पर डी का स्क्वायर था, हम लोग आर का स्क्वायर ले रहे हैं, और आर का स्क्वायर भी हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आप देखो यहाँ पर आर क्या है, कार्नेस के बीच का डिस्टेंस है, ये आर क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस है, और एफ क्या है यहाँ पर, फोर्स है। तो इस रिलेशन से भी आप समझ सकते हो कि देखो जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स क्या होने वाला है, कम होने वाला है, क्योंकि इनके बीच में रिलेशन क्या है, इनवर्स का रिलेशन है। तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स क्या होने वाला है, कम होने वाला है, डिस्टेंस अगर डिक्रीज हो रहा है, कम है, एरो डाउनवर्ड एरो से हमने दिखाया यहाँ पर, तो यहाँ पर फोर्स क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया चेंज विद द हाइट। तो जैसे जैसे हम लोगों ने क्या सीखा कि ऑब्जेक्ट ज़्यादा हाइट पर जैसे जाएगा, तो हाइट ज़्यादा हो रही है तो ग्रेविटी क्या होने वाली है, कम होने वाली है, और हाइट अगर कम हो रही है तो ग्रेविटी क्या होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि वो अर्थ सरफेस से क्या होगा, नियर आने लगेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ से सीख के लिया, ये देखो हम लोगों ने लिख के रखा है, आप लोग ये नोट डाउन कर लेना। फिर थर्ड पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं, चेंज विद द डेप्थ। तो जी की वैल्यू डेप्थ के साथ कैसे चेंज होने वाली है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम लोगों ने बोल दिया कि अर्थ सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था, और ये उसका क्या है, रेडियाई है, ये उसका क्या है, रेडियाई है, और ठीक है, पहले यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था तो हमने बोला, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था तो हमने बोला वो एच हाइट पे, या फिर आर डिस्टेंस पे, जैसा कि आप देख रहे हो ये रेडियस है, तो हम लोगों ने बोला कि ये रेडियस का पार्ट है, ठीक है, हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं इसको, ये रेडियस का पार्ट है, तो ये कितना है, ये यहाँ से लेके, ठीक है, ये यहाँ से लेके जो आर है, ये सेंटर है आपका, यहाँ तक आर, ये जो आर है यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से लेके जो है ये यहाँ तक है आर है, और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, उसका मास एम है, वो यहाँ पर था, वो धीरे धीरे अंदर आना चालू हुआ, समझो वो पहले इधर पे था, अब वो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस समझो कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डी है। और हमारे पास फॉर्मूला भी क्या था, हम लोगों ने यूज़ किया क्या था, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, यहाँ पर कैपिटल आर लिया हमने, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम लोग, कैपिटल आर का स्क्वायर यूज़ कर ले रहे हैं हम लोग, इसको समझते हैं चेंज विद द डेप्थ। तो यहाँ पर डी है, जैसे जैसे नीचे आएगा, तो आप लोग अच्छे से देखो कि ऐसे डिस्टेंस से यहाँ से यहाँ तक आर है, लेकिन इसमें से इतना डिस्टेंस क्या हो गया है, कम हो गया। तो मुझे पता करना है कि अब आर की वैल्यू कितनी पहुँची, या फिर आर की वैल्यू में क्या चेंज है, आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कैसे हो रही है, डिस्टेंस क्या हो, मुझे समझना है रिलेशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरे के आर के वैल्यू में से ये डी को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस कितना है, ये पूरा डिस्टेंस आर है, लेकिन ये अब पूरा डिस्टेंस आर नहीं रह गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया, इतना नीचे आ गया,
तो ये पूरा आर होने वाला था, लेकिन अब ऑब्जेक्ट का मास पहले यहाँ पर था आर के डिस्टेंस के लिए, लेकिन अब ये इतने डिस्टेंस को हमने क्या बोला है, डी बोला है, और ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पर आ चुका है। तो ये पूरे आर में से हमें इतना क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग बोल देंगे कि ये आर ना रहकर वो क्या हो गया है, आर हो गया है आर माइनस डी। हमने बोला क्या, आर क्या हो गया है, आर माइनस डी। तो देखो यहाँ पर है ना, हम लोग थोड़ा इसको क्लीन कर देते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग देखो क्या बोल देंगे, एफ इज प्रोपोर्शनल टू आर के जगह पे हमने क्या ले लिया, आर माइनस डी ले लिया। इसको वापस एक बार मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पर देखो ये जो डिस्टेंस यहाँ पर था आर था, ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पर था, लेकिन अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं आ गया तो इस डिस्टेंस को हमने डी बोल दिया। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया है तो ये आर माइनस डी हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस इतना क्या हुआ है, कम हुआ है, क्योंकि वो नीचे की तरफ आ गया है, सेंटर की तरफ जा रहा है, तो इतना डिस्टेंस अब पूरा आर नहीं रह गया, आर में से इतना डी हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमने आर के प्लेस पे क्या ले लिया है, आर माइनस डी। इस फॉर्मूले में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, आर माइनस डी इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर होगा, तो ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला मिला हमें, लेकिन हमने क्या डिस्कस किया कि ठीक है चेंज विद द डेप्थ, तो वो ऑब्जेक्ट वहाँ पर रुक नहीं रहा है, वो धीरे धीरे अब नीचे आ रहा है, वो समझो कि सेंटर पे आ गया। सेंटर पे आ गया तो देखो कैसा केस हो जाएगा यहाँ पर, ये कुछ ऐसा केस यहाँ पर होने वाला है कि पहले ये आर था, हमने देखा यहाँ पर था तो आर माइनस डी हमने लिया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे यहाँ पर सेंटर पे आ गया, तो ये पूरा डिस्टेंस इतना डी है, मीन्स आर इज इक्वल टू क्या हो गया इसके लिए, डी होने वाला है। आर इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले में क्या होने वाला है, आर इज इक्वल टू, देखो हम लोग क्या करेंगे, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के जगह पे भी हमने डी लिख दिया, क्योंकि दोनों एक दूसरे को सेम है। तो आप आर के जगह पे डी रखो या फिर डी के जगह पे आर रखो, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा स्क्वायर, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, आप ऐसे यहाँ पर बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, आर माइनस, यहाँ पर डी के जगह पे आर अगर आपने रख दिया तो आर माइनस आर का स्क्वायर। तो नीचे देखो क्या होने वाला है, एफ प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर जीरो होने वाला है, और ये कुछ है ना, वन अपॉन जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। मीन्स हम लोग यहाँ पर बोलने वाले हैं कि इसको समझ के लेंगे, तो एफ हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पर जीरो मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, जीरो। तो ऐसे जीरो क्यों मिल रहा है, क्योंकि अर्थ के सेंटर पे जो ग्रेविटी है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इसका मीन क्या है कि आप जैसे जैसे आप क्या करोगे, अर्थ के सेंटर की तरफ जाओगे, वैसे वैसे जो ग्रेविटी है वो कम होते जाएगी। तो ये एक कंसेप्ट था डिस्कस करने का कि आप जैसे जैसे नीचे आओगे रेडियस कम होते जाएगा, और फोर्स क्या होगा, ग्रेविटी क्या होगी, जीरो होगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी सेंटर पे, तो ग्रेविटी कम होते जाएगी। आप और इसको एक रिलेशन से समझ सकते हो, कैसे समझ सकते हो, वो भी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, इजीली वो समझ में आता है, तो वो भी पार्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ, बता देता हूँ। तो देखो आप क्या डिस्कस कर सकते हो कि यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पर समझ सकते हैं क्या, कि जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे, जैसे जैसे अर्थ सरफेस से कोई ऑब्जेक्ट है, मास है, बॉडी है, पार्टिकल है, वो नीचे की तरफ आ रहा है, ये सेंटर है अर्थ का, तो वैसे वैसे आप देखोगे कि ये जो रेडियस है ये रेडियस क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। आप देख रहे हो कि डिस्टेंस क्या होगा, कम होते जाएगा। इसका मास भी साथ में क्या होने वाला है, इसके साथ में जैसे जैसे वो आएगा तो यहाँ पर होल होने वाला है, डिस्टेंस कम होने वाला है, और यहाँ पर मास भी क्या होने वाला है, यहाँ पर जगह बनाकर ऑब्जेक्ट को क्या होना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, ऐसे नीचे आने पड़ेगा, जगह बनाकर यहाँ पर। हम लोग ये क्या समझ रहे हैं कि ये सेंटर यहाँ पर सी हमने, ठीक है, सेंटर जो है, ठीक है, अर्थ का ये सेंटर है और ये रेडियस है, तो वो जैसे जैसे नीचे आएगा तो डिस्टेंस जो रेडियस है वो कम होते जाएगा, क्योंकि यहाँ तक रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, लेकिन अगर वो यहाँ पर आ जा रहा है तो आर तो कम हो गया, तो आर डिक्रीज हो रहा है, साथ में यहाँ पर आने के लिए मास भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो उसको ना प्लेस बनाना पड़ेगा, होल बनाना पड़ेगा, फिर नीचे आना पड़ेगा, तो मास यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो मास भी डिक्रीज हो रहा है। और ये दोनों के रिलेशन को, ये दोनों टर्म को हम लोग यहाँ पर कंसिडर करते हैं, दोनों मास और रेडियस को हम लोग कंसिडर करते हैं, डिस्टेंस को हम लोग कंसिडर करते हैं यहाँ पर, और दोनों का जब हम कॉम्बिनेशन ले लेते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जो रेडियस है वो भी कम हो रहा है, मास है वो भी कम हो रहा है, इसका मतलब जो है ग्रेविटी वो भी क्या होने वाली है, कम होने वाली है, ठीक है। तो मास भी कम हो रहा है, ग्रेविटी भी कम हो रही है, तो इसके लिए जी भी मास कम हो रहा है, रेडियस भी कम हो रहा है, इसके लिए हम लोग बोलेंगे जी की वैल्यू भी क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो रेडियस है, मास है, ये दोनों क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, एज अ रिजल्ट ग्रेविटी भी क्या हो जाती है, चेंज विद द डेप्थ, अगर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं हम लोग तो डेप्थ के साथ साथ ग्रेविटी भी क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। और एक हमें यहाँ पर ये भी याद रखना है कि जो सेंटर है, सेंटर पे ग्रेविटी कितनी होती है, जीरो होने वाली है, तो सेंटर पे ग्रेविटी कितनी होती है, जीरो होती है। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, वहाँ पर हमने देखा कि डिस्टेंस जो है वो ग्रेविटी को इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, डिस्टेंस ज़्यादा होगा
तो ग्रेविटी क्या होती है, कम होती है, डिस्टेंस कम होगा तो ग्रेविटी ज़्यादा होती है। इक्वेटर पर डिस्टेंस ज़्यादा था, वहाँ पर ग्रेविटी कितनी थी, डिस्टेंस ज़्यादा था, इसकी वजह से ग्रेविटी कम थी, 9.78 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर था। और जो पोल था उसके ऊपर हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर डिस्टेंस कम था, इसके लिए 9.832 इतना ग्रेविटी था। ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया। चेंज विद द हाइट में भी हमने डिस्कस किया कि डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो ग्रेविटी कम होते जाती है, और हाइट ज़्यादा होता है तो ग्रेविटी कम होती है, ठीक है, और जो हाइट है वो लेस होगा, कम होगा, तो ग्रेविटी इंक्रीज होते जाएगी, ज़्यादा रहेगी। और हमने चेंज विद डेप्थ में क्या देखा कि रेडियस डिक्रीज होते जाता है, हम जैसे जैसे सेंटर टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ जाएंगे और मास लेस होते जाता है, तो एज अ रिजल्ट दोनों के कॉम्बिनेशन से ग्रेविटी भी क्या होते जाता है, कम होते जाता है। और हमने इस फॉर्मूले के थ्रू भी उसको समझने की क्या की हमने इस फॉर्मूले के थ्रू भी उसको समझने की कोशिश की। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर हम लोगों ने लिख के रखा है और हम लोग यहाँ पर थोड़ा रुकते हैं। अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसके ऊपर कुछ लिखना है, तो आप लोग लिख सकते हो, और आप है ना वीडियो को पॉज करके और रीप्ले करके वापस इसको देखकर वीडियो आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। आप लोगों को कुछ डाउट आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हो, और आप लोगों को और किसी टॉपिक के वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट करके उसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट कर सकते हो। तो आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले जो वीडियो है उसमें आपको उस टॉपिक के ऊपर भी, पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी अच्छा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा होगा। तो थैंक यू वेरी मच, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।